त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने बैंक कर्मियों से कहा है कि वे जिले में बैंकिंग सुविधाओं एवं सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए पात्र व्यक्तियों को तत्परता से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर आज कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समन्वय समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रायोजित PMEGP, MLUPY, NRLM एवं NULM कार्यक्रमों के तहत जारी स्वीकृतियों के अनुसार पात्र व्यक्तियों को समय पर ऋण उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान करें। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतार खान, अग्रणी जिला प्रबंधक NK नागपाल, नाबार्ड प्रतिनिधि एवं बैंकर्स उपस्थित थे। सादुलपुर के अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से आज महासभा के प्रदेशाध्यक्ष संजय हर्षवाल के जन्म दिवस पर समाज के लोगों द्वारा पौधरोपण किया गया। शोकरण राम जांगिड़ के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में समाज के लोगों ने जगह जगह पौधरोपण कर क्षेत्र को हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। वहीं पौधरोपण करने के बाद समाज के लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोहर सिंह जांगिड़, मांगेराम जांगिड़, सीताराम सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। शुक्रमा आज श्री संजय जी हर्षवाल राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उनके जन्मदिन पर जयपुर में रक्तदान शिविर किया गया है। उसमें कोरोना काल को देखते हुए यहाँ से कुछ बुजुर्ग व जवान जा नहीं सके, इसलिए आज श्री मोहर सिंह जी जांगिड़ मैनेजर, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय अखिल भारतीय सभा दिल्ली व सीताराम जांगिड़ व अजीत युवा तहसील अध्यक्ष व अन्य सभी उपस्थित होकर उनकी संजय जायसवाल के जन्मदिन पर पौधारोपण किया गया। जिला मुख्यालय पर आज अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक के निर्देशानुसार पिछले 2.5 साल में राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के कार्यों की अनदेखी के संबंध में 19 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति, हायर एजुकेशन व निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था 2 वर्षों से बंद कर दी गई है। मदरसा बोर्ड संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भी कोई कार्य प्रगति पर नहीं है। साथ ही मदरसों की शिक्षा सामग्री का वितरण भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण 2.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में रहा है। इस अवसर पर मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रफी कुरेशी, प्रदेश उपाध्यक्ष जमरुद्दीन तेली, यूथ उपाध्यक्ष इमरान दिलावर खानी आदि मौजूद थे। कांग्रेस भ्रष्टाचार, हाय हाय। कांग्रेस भ्रष्टाचार, हाय हाय। क्या लोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या लोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे विफल है वो, चाहे वो चिकित्सा लो, सफाई लो, शिक्षा लो, हर तरह के कार्य में राजस्थान सरकार विफल है। और राजस्थान सरकार जो है वो अल्पसंख्यक लोगों के साथ जो भेदभाव करत रही है, यह अच्छा नहीं है। होश में आकर के अल्पसंख्यकों का हक दे, हक की बात करे, न्याय दे, न्याय की बात करे। जय हिंद, जय भारत। मोर्चा की तरफ से हम सब ने प्रदेश जो कांग्रेस की सरकार है उसके खिलाफ अल्पसंख्यक जो मांगे हैं हमारी, जैसे मदरसा पैरा टीचर को स्थायी करना, मदरसा पैरा टीचर की मानदेय, मदरसा पैरा टीचर का जो पुराने शिक्षक लगे हुए हैं उनके बराबर उनकी सैलरी हो, अल्पसंख्यकों के हमारे लोन हैं जो आज हमारे लोन नहीं पास हो रहे हैं, उन लोनों के लिए जो हमारे लिए हमारे अल्पसंख्यकों को शिक्षक जो पढ़ाई करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं उनके लोन होते हैं, उन लोनों की मांग करने के लिए उनमें से एक भी अभी तक जो प्रदेश की सरकार बनी है उन्होंने हमारी एक भी सुनवाई नहीं की है। हमारे वार्डों से लेके हमारे जो शहर है उनकी दुर्दशा हो रही है, उनकी साफ सफाई हो नहीं रही है। उनमें नगर परिषद ने हमारे मुस्लिम वार्डों की ये हालत कर रखी है कि मत पूछो। तो हम सब ने आज कलेक्टर साहब को इसी के ऊपर हम सब ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम सब आपको बता दें कि हमारे 20 पार्षद जो सभापति जो चेयरमैन बन के बैठी है 20 पार्षदों की वजह से बैठी है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वो सब माइनॉरिटी के पार्षदों ने हमारे वार्डों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे। हम सब आज एक होके और नेक होके इस सभापति के खिलाफ और अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले। आने वालों दिनों के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे इन सब को सबक मिलेगा। हम अपनी बात को इसी यहीं पूरी करते हैं और अल्पसंख्यक पूरी जोश और शोर से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं।
सरदार शहर के आसपास सर गांव में आज अंतर्राष्ट्रीय गायक कलाकार लादू राम नायक की एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने नायक को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नायक ने शेखावाटी, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र तथा मुंबई, दिल्ली, पुणे के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल सहित अनेक देशों में लोक वाद्य यंत्र डेरू की कला का प्रदर्शन कर देश दुनिया पर अपनी पहचान बनाई। इस अवसर पर डीएनटी के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर नायक, सरपंच सुभाष मामरा, जिलेदार सहित कई ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय पर आज कड़वासर गांव के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि ग्राम कड़वासर के मुख्य रास्ते पर मस्जिद के पास लंबे समय से गंदे पानी की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण मुख्य रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। इस मौके पर डॉक्टर प्यारेलाल मेघवाल, कांग्रेस उपाध्यक्ष हनीफ खान, इकबाल खान सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। आज जो कड़वासर ग्राम में मस्जिद के पास में स्कूल के रास्ते पे भयंकर गंदा पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी की कोई वो नहीं है। अभी गिनानी टूटने के बाद में वहाँ पे पानी बसें बसों का आवागमन और ज़्यादा बढ़ गया और मस्जिद के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। वहाँ के जो मोहल्ले में है पानी भरा हुआ है, मुख्य सड़क है वो अवरुद्ध है। तो हमने कई बार इस संबंध में चूरू पंचायत समिति में डीओ साहब से भी बात की, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान हुआ। हमारे साथ ही सरपंच प्रत्याशी कड़वासर अब्बास खान जी, अनीफ खान जी और हमारे जो पूरे इकबाल खां, यूनुस खां, सारे पूरी टीम जो आई, काफ़ी दिनों से हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज हमने क्लेक साहब से बात की है कि भाई क्लेक साहब, ये बहुत आगे बरसात भी आने की संभावना है, बहुत विकट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कड़वासर गांव के लिए। ये गंदे पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो हम क्लेक साहब से अपील करते हैं, राजस्थान सरकार से अपील करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करवाएँ। वहीं जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की चूरू इकाई के तत्वावधान में जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन प्रेषित किया। शर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 की भर्ती में नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण के बाबत यह ज्ञापन दिया गया है। इन शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण हुए लगभग 6 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला परिषद चूरू की जिला स्थापना समिति द्वारा इनका स्थायीकरण हेतु अनुमोदन नहीं किया गया है, जिसके अभाव में लगभग 1000 शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सैनी, मंडल संयुक्त मंत्री राजवीर सिंह, उपशाखा मंत्री प्रभुदयाल सैनी सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। इसमें 2018 की भर्ती में जो शिक्षक स्थायी नियुक्त हुए थे उनके स्थायीकरण के लिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि 2 साल होने पर स्थायीकरण करने पर ही उनको बीमा का लाभ मिल पाता, उनकी कटौती होती, जेएएस की कटौती होती, एसआई की कटौती, तो ये सब चीज़ें उनके लिए लागू होती, लेकिन कोविड काल के कारण वो संभव नहीं हो पाया। हमारा निवेदन रहेगा कलेक्टर महोदय से कि वो जल्द से जल्द इनका स्थायीकरण करें। 3 महीने की सैलरी इनकी ड्यू हो गई है, तो स्थायीकरण के बाद इनकी जो सैलरी है वो बन पाएगी। और दूसरा जो एक ज्ञापन है वो प्रधानाचार्य पद प्रसिद्धि भर्ती के संबंध में है, और एक जो BLO है उनको शिथिलन देने के क्रम में है, और एक जो है वो कोविड काल में अवकाश जो है उसके अंतर्गत जो शिक्षकों ने काम किया उसके संबंध में PL जोड़ने के, तो ये 4 ज्ञापन आज हमने दिए हैं। मैं शिव कुमार शर्मा, जिला मंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय। सरदार शहर तहसील क्षेत्र में बुधवार को 18 प्लस आयु वर्ग के 1400 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। BCMHO डॉक्टर विकास सोनी ने बताया कि शहरी क्षेत्र के राजकीय अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और भादरजी कुआं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर विदेश जाने वाले लोगों को टीके लगाए गए। वहीं शहरी क्षेत्र के 300 और ग्रामीण क्षेत्र के 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ग्रामीण क्षेत्र में फोगा, बंधनाऊ, मालसर, राजासर, बीकान, मेहरी, राजवियान, बादड़िया, घड़सीसर आदि के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाई गई। चूरू के स्थानीय गढ़ चौराहे पर भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गोपाल बालान का स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा आदि ने बालान का माल्यार्पण कर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया व शुभकामनाएं प्रेषित की। युवा कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। आभार व्यक्त करता हूं उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा हिमांशु जी शर्मा, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी, जिन्होंने आज मुझे जिला युवा मोर्चा की अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी है,
जिसका मैं पूर्णतः पार्टी और परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि ये जिम्मेदारी मैं पूर्णतः निर्वहन करते हुए पार्टी के काम को, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्य को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। युवा मोर्चा का नया काम बहुत ही अच्छा और सौम्य तरीके से आगे और बढ़ता रहेगा। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आज जरूरतमंद परिवारों के खातों में 8,20,000 रुपए की सहायता राशि का चेक जारी किया है। उल्लेखनीय है कि चूरू नगर परिषद क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, अन्य श्रमिक, रिक्शा चालक, निराश्रित, असहाय तथा जरूरतमंद परिवार जिन्हें सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग से कोई पेंशन नहीं मिलती है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह जून 2021 का प्रति परिवार 1,000 रुपए एक्स ग्रेशिया सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर समाज सेवी नारायण बालान, जिला परियोजना अधिकारी भारत भूषण पूनिया, जिला परियोजना प्रबंधक अजय वर्मा आदि उपस्थित थे। सरदारशहर की बाबा रामदेव कॉलोनी के पास आज जीप की टक्कर से एक बाइक सवार घायल हो गया। घटना पर उपस्थित लोगों ने घायल को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने घायल का उपचार शुरू किया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 20 निवासी रविंद्र मीणा बाइक पर सवार होकर जा रहा था कि बाबा रामदेव कॉलोनी के पास जीप ने टक्कर मार दी, जिसके कारण रविंद्र घायल हो गया। समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये रामदेव कॉलोनी में एक पिकअप ने मोटरसाइकिल सवार जो है उसको टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटिल हो गया, जिसको यहाँ अस्पताल में ला कर के इलाज करवाया। इलाज मरीज को छुट्टी दे दी है। रिपोर्ट ड्राफ्ट है, रेफर मुकदमा दर्ज है।